ज्यादा पाबंदियां मत लगाइए बुढ़ापे में, ज्यादा कानून मत बनाइए अपने घरों में, एडजस्टमेंट का जमाना है, कुछ तुम एडजस्टमेंट करो, कुछ बहू बेटे एडजस्टमेंट करे। अब तुम सोचो कि बहू एक हाथ का घूंघट निकाले, ये पुराने ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, तुम्हें शर्म आती तुम रुमाल डाल लो, बहू तो नहीं डालने वाली है, ध्यान रखना। पहले का जमाना था कि ससुर जी घर आते थे, थोड़ा सा खांसते थे, बहू अलर्ट हो जाती थी कि ससुर जी आ गए। अब खांसना क्या, तुम दरवाजा भी पीटो, ध्यान रखना। अब तो बहू की चूड़ी की आवाज सुन के तुम संभल जाओ, पंचम काल है, जमाना बदल गया है, थोड़ा सा अपनी सोच बदलना पड़ेगी, थोड़ी सी अपना चिंतन बदलना पड़ेगा, आदि बदल लोगे अपनी सोच को तो बुढ़ापा आसानी से गुजरेगा, नहीं बदलोगे तो बुढ़ापे में आंसू बहाना पड़ेगा। मैं एक दादाजी को जानता हूं, मेरे से बोले महाराज बड़ा दुखी हूं मैं, मेरा क्या हुआ, बोले मेरे दो बेटे हैं, मेरे दो बेटे हैं फिर भी दुखी हो, अरे महाराज इस बात का दुख है मुझे कि दोनों बेटों ने मुझे बांट रखा है कि 15 दिन बड़े के पास 15 दिन छोटे के पास, और मैंने कहा 31 का महीना आया तो वो एक दिन क्या होगा, बोले उस दिन को चौदस मान के उपास कर लेता हूं कि आज चतुर्दशी है, आज मेरा उपास है, और बोले कभी कभी नहीं करता हूं उपास तो मैं भी उनका ही बाप हूं, कभी कभी 28 की फरवरी भी तो हो जाती है, उसमें एडजस्ट हो जाता है हमारा सब। मैंने कहा दिक्कत क्या है, बोले दिक्कत यह है महाराज कि जब मेरे घर में पेंशन आती है, बड़ा बेटा कहता है मैं लूंगा, छोटा बेटा कहता है पेंशन मैं लूंगा, ध्यान रखना ये वातावरण तुम्हारे घरों में बन रहे हैं, बड़ा कहेगा पेंशन मुझे चाहिए, छोटा कहेगा पेंशन मुझे चाहिए, वाह रे जमाना, बाप की दौलत सबको चाहिए लेकिन बाप किसी को भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे माहौल घर में खड़े हो गए, माँ बाप को कोई नहीं चाहता है, अदालत में वकील यहाँ बैठे होंगे, अदालत में ऐसे केस तो आते हैं कि बाप की दौलत हमारी है, एक भी केस नहीं आया होगा दो बेटे लड़ रहे हों कि ये बाप हमारा है, इस पर कोई केस नहीं करता है, कोई लड़ाई नहीं हुआ करती है, बाप को कोई नहीं चाहता है, बाप से हर कोई चाहता है, मालिक को कोई नहीं चाहता है, मालिक से हर कोई चाहता है, ध्यान रखना। उसने कहा दोनों बेटे मेरी पेंशन पे लगते हैं, बड़ा कहता है मुझे मिलेगी, छोटा कहता है पेंशन में, कितनी पेंशन मिलती है, बोले 4,000 रुपए मिलते हैं। मैंने कहा दादा जी 4,000 रुपए में इतने ताने सुनते हो, घर में यातनाएं झेल रहे हो, तुम्हें नहीं चाहते दौलत को चाहते हैं, बोले महाराज बहुत दुखी हूं मैं। मैंने कहा एक काम करो, मैंने पुष्पगिरी में वात्सल्य धाम बनाया है, मैं तुम्हारे 4,000 भी नहीं लूंगा, फ्री में रखूंगा, 4,000 अपने जमा करते जाना, मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन के खड़ा होऊंगा, लेकिन घर में टुकड़ों टुकड़ों के लिए मत तरसो, घर में अपने बेटों को लड़ते झगड़ते मत देखो, ये ताने सहन मत करो, चलो मेरे साथ भगवान का भजन करना, और पुष्पगिरी के मेरे वात्सल्य धाम में ना रह सको तो जाओ समय सिग्नल चले जाओ। 4,000 रुपए में एक बूढ़े का पेट आराम से भर जाया करता है, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ा, अकेले हो आराम से पेट भरेगा, अपनी पेंशन में रहना, अरे 4,000 में पेट भी भर लेगा, 1,500 तू धर्म ध्यान में दान भी करके साल की जिंदगी जिएगा, क्या पड़ा है इस घर में। जानते हो बूढ़े ने कहा बात तो सही कह रहे हो महाराज, तुम्हें कहा क्यों घर में बहुओं के ताने सुनते हो, छोड़ो इस घर को चलो हमारे साथ। बोले महाराज कह तो सही रहे हो, तो मैंने कहा व्यवस्था कराऊं, बोले महाराज फिर भी मन करता है यार, कोई बात नहीं औलाद तो अपनी तेरे की जाओ भाड़ में, अब तुम्हारा जिंदगी में कभी सुधार नहीं हो सकता है, दिल फिर भी कहता है औलाद तो मेरी ही है, लड़नी है तो लड़ने दो, मारे आदमी पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय क्या जिंदगी है इस आदमी की, ताने सेहरा अपमान के घूंट पीड़ा है, घर नहीं छोड़ा जाता है, ध्यान रखिए, अरे छोड़ो जाओ स्वाभिमान की जिंदगी जियो, मेरे वात्सल्य धाम में जो पुष्पगिरी में चल रहा है बुजुर्ग जोड़े रहते हैं, आज उनसे पूछा जाए कि बोलो कैसा जीवन जी रहे हो, तो कहते शायद पैदा किया हुआ बेटा मुझे वो सुख ना देता,
जो एक सन्यासी बेटा हमारे जीवन में हमको सुख प्रदान कर रहा है। मान्यवर, मन अपने बुढ़ापे को अपमानित कराइए, शांत से जिंदगी चले। आज ही मैं कहता हूं कि कोई लाचार वहां की सभा में बैठा हो, आओ पुलक सागर तुम्हें अपने वात्सल्य धाम में सहारा देने को तैयार है। कोई अपमान नहीं होता वहां, 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हैं, अपना घर समझ के लोग बुजुर्ग वहां खड़े करते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं दुनिया के बड़े बड़े मंदिरों में ना उलझ के मैं मानव सेवा के केंद्रों का निर्माण कर सकूं। माननीय, मुंबई और सूरत हाईवे पर एक जिंदा तीर्थ का निर्माण हो रहा है, वहां तीर्थ कम होगा और मानव सेवा की बातें ज्यादा होगी। वो बुजुर्ग जिन्हें बुढ़ापे में ताने सुनना पड़ते हैं, खून के आंसू बहाते हैं, ध्यान रखना तुम्हारे खुद का पैदा किया हुआ बेटा शायद वो ना कर सकेगा। एक संत तुम्हें बुढ़ापे में, ध्यान रखना इन पथराई हुई आंखों से जब आंसू बहते हैं ना, एक पीड़ा हृदय में पैदा होती है। ऐसे बच्चे जिनके जन्म होते ही माँ बाप मर जाते हैं, ऐसे बच्चे, एक बच्चा मेरे वात्सल्य धाम में ऐसा है, औरंगाबाद का बच्चा है, ध्यान रखिए, जिसकी माँ पागल है, जिसका बाप शराब पीता है, रोज मारता है उस बच्चे को, समाज के लोग मेरे पास लेकर आए, महाराज ये बच्चा है, इसका भविष्य क्या होगा? आप देखते इतना मासूम बच्चा, उम्र होगी 8-9 साल, घर में ये महाभारत देखता, घर में ये नरक के दृश्य देखता है, माँ पगली है, उसे शुद्ध बुद्ध भी नहीं है। 8-9 साल का बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा क्या बात है, आंखों में आंसू भरे, मैंने कहा बोल क्या चाहता है? बोले महाराज माँ बाप के होते हुए भी अनाथ का जीवन है मेरा, मैं पढ़ना चाहता हूं महाराज, मैं चाहता हूं कि पढ़ लिख करके कुछ बनूं अपनी जिंदगी में, जैसा जीवन मेरे माँ बाप ने जिया वैसा जीवन मैं नहीं जीना चाहता हूं। तो मैंने कहा पढ़ना क्यों नहीं है? बोले मेरा बाप जो भी कमाता है दारू में सब पैसा बर्बाद कर देता है, माँ पागल है, मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा चिंता मत कर, हाँ मैं अपनी पनाह में तुझे रखता हूँ। बांसवाड़ा में उस बच्चे को लेकर आए, औरंगाबाद का बच्चा, मेरे भक्त बैठे हुए थे, मैंने कहा बोल तू पढ़ेगा या नहीं? बोले मैं खूब पढ़ूंगा महाराज, आप अपनी छाया में मुझे रखिए। मैंने उसे वात्सल्य धाम में एडमिशन दिलाया। आप विश्वास करें, इस बच्चे के पास ढंग के कपड़े नहीं थे, मेरा एक भक्त बैठा था, मैंने कहा जाओ और इसे कपड़े ला करके दो, ध्यान रखना इस बच्चे को उतरे हुए कपड़े कोई भी ना पहनाएगा, ये सोच के लाना कि मेरा एक बेटा और है, उसके लिए नए कपड़े लेकर के आइए। वो ऐसा भक्त था मेरा, मैंने 2 जोड़ी का है वो 12 जोड़ी कपड़े लाया, ले गए बेटे कपड़े पहन, महंगे जूते लेकर के आया। मैंने कहा इसको एहसास नहीं होना चाहिए कि अनाथ है, जो इसके माँ बाप नहीं पहना पाए वो पुलक सागर अपने भक्तों से पहना करके इसे खड़ा करेगा। इसका बचपन मत छीनो, इसका बचपन को ऐसा बर्बाद मत करिए, इसके भी अपने स्वप्न है। आज वो बच्चा मेरे पास है, आज वो बच्चा वात्सल्य धाम में पढ़ रहा है। मान्यवर आप विश्वास करिए, जो स्कूल जाने में भी इसके पास साधन नहीं थे, आज वो CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है और 70% अंक लेकर के वह हमारे वात्सल्य धाम का नाम रोशन कर रहा है। सोच ये प्रतिभा घर में इज्जत ना हो, आओ मेरे वात्सल्य धाम में सेवा करिए इनकी, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, छोड़ो घर गृहस्थी के जी जंजाल, अंत समय कुछ हाथ नहीं लगता है, ध्यान रखिए, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करिए। आज धर्मों ने, ग्रंथों ने हमें आदेश दिया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, अंत समय आता है वह संन्यास आश्रम हुआ करता है। ध्यान रखिए, 4 भागों में जिंदगी को बांटो, बुढ़ापे को सार्थक करिए। जाओ किसी अनाथ आश्रम में, जाओ एक जीवित इंसान की सेवा करिए। मैं कहता हूं पत्थर की पूजा से ज्यादा पुण्य इंसान को जीवन दान देने का मिला करता है। करो बुढ़ापे को सार्थक, करिए जीवन को सार्थक। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास है। मान्यवर, एक और सागा मुंबई और सूरत के बीच में बन रही जिन शरणम तीर्थ, जिसे मैंने नाम दिया है, ध्यान रखना मैं ये सोचता हूं कि 3 लोग के नाथ में कोई अनाथ नहीं हुआ करता है। बाबा पारसनाथ जिसके साथ हैं, वो कभी अनाथ की कोटि में नहीं आ सकता है। एक सृजन चल रहा है, मेरे पास धर्म है, मेरे पास विचार है,
मेरे पास पैसा नहीं है, ध्यान रखना, मैं नंग धड़ंग साधु, मेरे पास तो कल के भोजन की व्यवस्था नहीं है, मैं कहाँ रहूँ, ये व्यवस्था मेरे पास नहीं है। लेकिन समाज को प्रेरित करता हूँ कि मेरी योजना से यदि आप सहमत होते हैं कि हाँ महाराज, हमारे पास विचार नहीं, हमारे पास धर्म नहीं, लेकिन हमारे पास धन है, तो सीकर वालों अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपने भंडार खोलना, तो जहाँ मेरी आवाज़ लड़खड़ाए अपनी आवाज़ मिला देना, और इस धरती को स्वर्ग बनाने में तुम मेरी सहायता करना। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बड़े विनम्रता के साथ टूटती सांसों को जिंदगी दीजिए, भटकते बचपन को बचपन लौटाइए। मैं विचार तो मैं कहता हूं कि शायद जैसा जीवन एक माँ बाप अपने बच्चे को ना दे पाएंगे, मेरा वात्सल्य धाम उन्हें आदर्श नागरिक बना करके समाज के सामने प्रस्तुत करेगा। जोड़ दीजिए इंसान से इंसान को, बिखरे हुए परिवारों को जोड़ो, हरे तिनका तिनका कर जोड़ कर एक चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, तो हम भी एक एक को जोड़ कर एक आदर्श परिवार का निर्माण कर सकते। ये भारत का विकास होगा, ये भारत के कार्य होंगे। बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पर, चाट पकौड़ी के अलावा होता क्या तुम्हारी संस्था, खाया किट्टी पार्टी की, ये खाया वो खाया, तमोला केला, टाइम पास किया, चले गए, कौन सी समाज का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। मैं इन संस्थाओं से कहूंगा, करते होगे लाखों दान, कंबल दान करते हो, अनाथ आश्रम में कंबल जाता है पता ही नहीं चलता है कंबल कहां गया, जितनी बार जाओ वो गरीब जब भी देखोगे बिना कंबल के दिखेगा, रोज देकर आओगे रिजल्ट जीरो का जीरो आता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप में ताकत हो तो मेरे से बोल देना, महाराज उस वात्सल्य धाम में पल रहा एक बच्चा मैं उसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ, मैं साल भर का खर्च उठाता हूँ, मैं महीने भर का खर्च उठाता हूँ, उन बच्चों के लिए जीवन दान देता हूँ। मानवा ध्यान रखना, उसमें किया हुआ सहयोग संत का आशीर्वाद ही नहीं, उन अनाथ बच्चों की दुआएं भी तुम्हारे साथ होंगी, उनका खुशियां भी तुम्हारे साथ होंगी। क्या करते हो, 20-20, 30-30 हजार की साड़ियां ये महिला पहन लेती हैं, लाख लाख रुपए के गले में नेकलेस पहना करती हैं, अरे थोड़ा सस्ता पहन लेना, किसी की जिंदगी बचती है तो उसके लिए अपना धन निक्षेप करते, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारे सौंदर्य में कोई कमी नहीं आएगी, ध्यान रखना। अरे थोड़ी सस्ती 1000-2000 रुपए कम सस्ती साड़ी पहन लीजिए, कोई कमी ना आएगी तुम्हारे जीवन, तुम्हारी शान में कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अपनी सहयोग राशि वात्सल्य धाम में दे दी तो किसी की शान जरूर बच जाएगी, किसी का जीवन। इतने तो संवेदनशील बनिए मेरे भाई, पत्थरों की मूर्तियां रखते हो, शिखर बनाते हो, ध्वज चढ़ाते हो, लाखों की बोलियां लेते हो, जुड़िए उससे। एक अभियान चला, एक निर्माण कर रहा हूं मैं मानवता के मंदिर का, वहां पाषाण के भगवान भी होंगे तो उन्हें पूजने वाले जीवन पुजारी भी हम तैयार करेंगे, वरना आज मंदिर बहुत है सूने पड़े हैं, कोई उनकी पूजा करने वाला दिखाई नहीं देता है। एक संस्कार पैदा करो अपने जीवन, एक चाल एक बच्चे को, एक 19-20 साल के बच्चे को आतंकवादी शिविर में शामिल करके उसे आतंकवादी बना दिया जाता है। कोई भी आतंकवादी जन्मजात आतंकवादी नहीं होता है, उसे कैंप बनाए जाते हैं, सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं देश की सरकार से कहता हूं, यदि एक बच्चे को आतंकवाद की शिक्षा देते हैं तो आतंकवादी बन जाता है, हम एक बच्चे को अहिंसा की शिक्षा देकर उसे महावीर बुद्ध या राम क्यों नहीं बना सकते हैं? अहिंसा के शिविर क्यों नहीं लगाते हैं? करुणा के शिविर क्यों नहीं लगाते हैं? दया के शिविर क्यों नहीं लगाते हैं? वो अहिंसा का शिविर, वो करुणा दया का शिविर साबित होगा हमारी प्रेरणा से बन रहा है वात्सल्य धाम, जिन शरणम तीर्थ में इसका निर्माण। जिसको भी इस योजना से जुड़ना हो मुझसे मत जुड़ो, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं, ध्यान रखना, लेकिन मेरे विचारों से जुड़ो। मेरे विचार तुम्हारे इस जन्म में ही नहीं, आने वाले जन्म में भी तुम्हारे बहुत काम आएंगे। करो बुढ़ापे को सार्थक, जिसके पास जो हो वह सेवा करे, तन से करे, मन से करे, धन से करे। ईश्वर ने जो दिया है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं दिया है, ईश्वर ने तो इसलिए दिया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। साधु का मतलब साधु ही नहीं होता है, इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, मान ना भी आए अपने दरबार में बैठे। कहानी मेरी वहीं पड़ी है, जय जयकार हो रही थी ना भी आए की, ना भी आए ने जैसे ही जय जयकार सुनी
दर्पण उठाया, अपना चेहरा देखने लगे। लोगों ने कहा, यार ये राजा को क्या हो गया? श्रृंगार कक्ष तो अलग होते हैं, राजा ही भरी सभा में दर्पण देखेगा तो जनता का क्या होगा? आज नाभिराय का क्या होगा? नाभिराय में शीशा देखा। आज से मैं निवेदन करता हूं, महिलाएं दर्पण में रोज मुंह देखती हैं। आजकल तो आदमी भी कम नहीं है, नहीं मिले तो किसी की गाड़ी खड़ी उसके शीशा मोड़ के यार स्टाइल चेंज कर लेते हैं। आजकल समझ नहीं आता लड़का कौन है लड़की कौन है। ऐसे लंबे लंबे बाल, लड़की पहनी जींस, लड़का बढ़ा रहे बाल, बाहर आदमी। व्यवस्था एक ही थी महिलाओं के लिए कि नाखून काटना, बाल बढ़ाना, इनने सब उल्टा कर दिया, नाखून बढ़ाए और बाल काटने लगे, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़। विचार करें, सोचना है आपको, जब भी आप दर्पण देखें, दर्पण में केवल चेहरा मत देखना, दर्पण में अपना चरित्र भी देखना। नाभिराय ने दर्पण उठाया तो दर्पण में वो ये देखते हैं कि सारी दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है, मैं इस प्रशंसा के काबिल हूं या नहीं, ये देखा नाभिराय ने। चेहरे की सुंदरता नहीं, वह देखते हैं मेरा चरित्र इस योग्य है या। झूठी प्रशंसाएं सुनने से कुछ नहीं होता है, झूठी मालाएं पहनने से क्या मिल जाएगा जीवन में? चलचित्र के सम्मान का क्या मिलेगा? एक बार कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो देखना, मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं, और यदि मैं इस काबिल नहीं हूं तो दर्पण में देख के कसम खाना कि मैं इस काबिल बन के जरूर दिखाऊंगा। सारी दुनिया को मान्यवर नाभिराय ने देखा, दो घटना घट गई। पहली घटना घटी कि उनका मुकुट झुक रहा है। अरे नाभिराय ने कहा, मुकुट झुक गया, इसका मतलब अब सत्ता के दिन खत्म हुए और अब सत्य के मार्ग पे चलने के दिन आ चुके हैं। बहुत भोग लिया संसार, बहुत भोग लिया परिवार, अब तो वैराग्य की धार में रहे। ये भारत की सनातन परंपरा रही है, सब कुछ तो भोग लिया जवानी में, कौन सी चीज बची है जिसके पीछे तुम घर से चिमट? नाभिराय ने कहा, अब घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब मेरा मुकुट झुकने। पुत्र ऋषभ कुमार को बुलाया, ऋषभ कुमार अब ये राजपाट पर मेरा नहीं तुम्हारा अधिकार है क्योंकि मेरा मुकुट झुकने लगा है। ध्यान रखिए, मुकुट तो रावण के भी झुके थे और मुकुट नाभिराय के भी झुके थे। नाभिराय का मुकुट झुकता है तो वह मुकुट उतार करके ऋषभ देव के शीश पे रख देते हैं, रावण के मुकुट झुकते हैं। अरे झुकते क्या है, दस बार गिरे मुकुट रणभूमि में, दस बार उठाता है फिर रखता है, फिर उठाता है फिर रखता है। ये अज्ञानी जीवों के लक्षण है, ये मिथ्या दृष्टियों के लक्षण है। सम्यक दृष्टि तो इशारे में जिंदगी को बदल दिया करता है। मुकुट झुके कि घर छोड़ो, सीकर वालों आज जाके देखना ड्रेसिंग टेबल में मुकुट झुक रहे हैं या नहीं झुक रहे हैं। अरे महाराज हम तो मुकुट पहनते ही नहीं हैं, पहले कोई पगड़ी पहनता था राजस्थान में, पहले कोई टोपी पहनी जाती थी, अब तो हमने निकाल के फेंक दी लफड़ी कदम। नहीं मेरे भाई, मैं देख रहा हूं इस सभा में बहुतों के मुकुट झुक रहे हैं, कई के तो लटके पड़े हैं, कई पकड़ के बैठे हैं कि गिर नहीं जाए, मुकुट झुक रहे हैं आपके, कई के झुक गए, 90% लोगों के मुकुट झुक चुके हैं। आप कहेंगे हमें कैसे पता चले कि मुकुट झुक गए? मैं बताता हूं, घर जाके देखना मुकुट झुके हैं या नहीं। पहले जब तुम घर आते थे एक आवाज लगाते थे, पानी लाओ, तीन जगह से पानी आता था, पत्नी अलग लाती थी, नौकरानी अलग लाती थी, बहुरानी अलग लाती थी। पहले इतना दबदबा और इतना रोब था कि एक आवाज लगाओ तीन जगह से पानी आता था, और अब तीन आवाज लगाओ और 10 मिनट बाद एक जगह से भी ना आए, समझना हमारा मुकुट झुक चुका है, अब इस घर में हमारी जरूरत नहीं है, अब इस घर में हमारा सम्मान खत्म हो चुका है, अब हमारी इस घर में कुछ नहीं चलती है, अब बहु बेटियों को हमारी जरूरत, समझ लेना मुकुट झुक गया। तुमने कहा यों और बहू ने कहा क्यों, समझना मुकुट।
कुछ छुप चुका है, अब तुम्हारी जरूरत इस घर को बिल्कुल नहीं है। बेटा जब तुम्हें चुप कहने लगे, बेटा कहे कि पिताजी आप साथ बैठा करो, तो समझ लो कुछ छुप चुका है। अब तुम्हारे राजपाट के दिन खत्म हो गए, अब तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का तुम्हारा दिन आ गया। अब तो छोड़ो छाड़ो ये सब दुनिया, बार बार पत्नी आंख दिखाए, मुकुट झुक चुका है, ध्यान रखिए। बोलिए, ए झुके मुकुटों वाले राजाओं, चलो पुलक सागर तुम्हें बुलाता है, मेरे साथ चलिए, जीवन को सार्थक और सफल करिए। क्यों जीते हैं ऐसे अपमान का जीवन अपने घर में, छोड़ो स्वाभिमान की जिंदगी जियो। नाभिराय ने देखा, पहले ये होता था कि बच्चा रोता है ना, तो आज बहू कहती है दादाजी से, दिख नहीं रहा लड़का रो रहा है, उठा नहीं सकते हो, मुकुट चुप गया था। नहीं तो पहले वो जमाना था कि बच्चा रोता था ना, तो बुजुर्गों के सामने बहू बेटे उसे गोद में नहीं ले सकते थे, एक मान मर्यादा हुआ करती थी। अब तो दादाजी को हजार सुनना पड़ता है कि बच्चा रो रहा है, बैठे बैठे करते क्या हो, खिला नहीं सकते, जाओ थोड़ा घुमा करके ले आओ, दिन भर घरों में बैठे रहोगे, दिन भर यहाँ वहां टहलते रहते हो, मुकुट झुक चुके हैं तुम्हारे। दूसरी घटना घटी नाभिराय के जीवन में, समय हो रहा है अपनी कहानी को समेटता हूं, कि नाभिराय के कान के बाल सफेद हो गए। नाभिराय ने कहा बाल सफेद हो गए, इसका मतलब फसल पक चुकी है, और पकी हुई फसल को किसी भी दिन काटा जा सकता है। एक बात ध्यान रखना, बाल जब भी सफेद होते हैं कान के पास से होते हैं, सीधे बाल सफेद नहीं होते। देखो दादाजी, देखना सफेदी जब भी आएगी कान के पास से आएगी। और एक बात और मजे की है, दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे रखी रहे तो काली हो जाती है, हर सफेद चीज काली होगी, लेकिन बाल ऐसे हैं जो काले से धीरे धीरे सफेद हुआ करते हैं। कभी भी सफेद बाल काले नहीं, काले बाल सफेद होते हैं। और कान के पास से किसी का भी देख लो कितने बैठे दादाजी, शुरुआत यहीं से होती, मेरी भी हो गई है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने तो छोड़ दिया, जो तुम सफेद बाल में नहीं छोड़ रहे वो मैं काले बाल में छोड़ आया, अब मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। तुम चिंता करो अपनी, सफेद बाल कान के पास क्यों होते हैं सफेद, मैंने सोचा तो मुझे ये लगा कि बाल कहते यार तूने बहुत शैंपू लगाया है मुझ में, बहुत साबुन लगाई, पियर्स लगाया, मोती लगाया, कौन कौन सी साबुन आती है, डव, वाह ये देखो डबा डब हो रहे, विचार करिए, साबुन कहती है ये बाल कहते तूने हमारी बहुत सेवा की, बहुत हमें तेल लगाया, देख अब तेरी बेइज्जती हम पब्लिक में नहीं करेंगे, देख मेरे भाई जब हम काली जिंदगी से सफेद हो गए, अब तू भी काली करतूत छोड़ और हरी का भजन कर, भगवान का नाम ले, और मेरी चादर को सफेद कर, कान में कहते हैं बाल फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता है। सफेद बाल जानते हो क्या होते हैं, ये सब लाइन सफेद बाल वालों की है, लेकिन क्या करे दिल है कि मानता नहीं, विचार करिए। सोच रहे हैं आपको, हमारे बुंदेलखंड में एक परंपरा है कि वहां भोजन करने बैठो तो रोटी मिलती है, मीठा नमकीन मिलता है, कहीं कहीं हर जगह नहीं मिलता है, जुगाड़ हुआ तो मिल जाता है, और फल मिलते हैं, फ्रूट मिलता है, सबसे आखिरी में चावल परोसा जाता है। क्या दिया जाता सबसे आखिरी, यहाँ का मुझे नहीं मालूम क्या चक्कर है, आखिरी में चावल परोसा। चावल कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, इसका मतलब है कि खाने वाले अब चावल आ गया, अंतिम रील चल रही है, इसके बाद दी एंड लिखा आएगा, अब रसगुल्ले का इंतजार मत करना, अब कचौरी का इंतजार मत करना, अब चमचम का इंतजार मत करना, अब पूरी पराठे नहीं आएंगे, सफेद चावल परोस दिए, इसका मतलब चावल खाओ, हाथ धो उठ जाइए, भगवान ने भी सिर में सफेद चावल परोस दिए, अब भोगों की इच्छा छोड़ो, हाथ धो और प्रभु के गुण। सबकी थालियों में सफेद चावल रखे हुए हैं, अब इच्छा मत करो कि कुछ और मिलेगा, अब तो चुपचाप हाथ धो विषय भोगों से, तो भगवान का भजन करना सीख जाइए, अनासक्त जीवन जियो। मान्यवर समय बहुत हो चुका है,
आपसे यही आग्रह है, जिंदगी कोई खेल नहीं है बच्चों का, जिंदगी को संभालो, बुढ़ापे को संभालो। जितनी अनासक्ति जीवन में लाओगे उतना बुढ़ापा तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, और जितने आसक्त होकर के जियोगे उतना जीवन बर्बाद हो